What's up guys? फिर से देखने वाले हैं मस्त मजेदार मोए मोए शांति दूत मीम्स रॉक बाबा चैनल से। तो थग लाइफ भी होगी इसमें, अमित शाह जी की भी होगी, योगी आदित्यनाथ जी की भी होगी। तो करते हैं वीडियो प्रारंभ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जरूर लिख देना 1 2 3 गो। अब की बार मोदी सरकार सुन सुन के पक चुके हैं, तो कुछ नया सुनिए। सुरक्षित काले मेरे बाल, पागल हो गया केजरीवाल, च्यवनप्राश हो सोना चांदी, नहीं जीतेगा राहुल गांधी, ऊपर छतरी नीचे छाया, भाग कांग्रेस मोदी आया। तो ये बढ़िया था गुरु, ये भी ठीक है। तो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस एक और नए चलचित्र में। तो हमेशा की तरह आपसे प्रार्थना है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में प्रभु का नाम लिख दीजिए, और वीडियो बहुत ही मजेदार और इंस्पिरेशनल होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए आज का चलचित्र प्रारंभ करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कम ऑन गाइस, आप लोग सुनीता की बातों में मत आना। जिसका शरीर जेल में होता है उसकी आत्मा भी जेल में ही होती है। ये एडिट करके बनाया हुआ है। अरे भैया, तो ये बढ़िया मीम था। आप सुने 500 गोलियां, ये भी देखा कि बॉडी जिंदा है कि नहीं, फिर सर में ढाई से आप देखी थी इतिहास में? आप लोग पैगंबर साहब को देखे हैं? ये बताइए, आप देखी थी वो चीज 500 गोलियां? पैगंबर साहब को देखे नहीं? विश्वास करते हैं ना, तो वैसे ही घटनाओं पे तो विश्वास होता ही। उनके पे भरोसा नहीं करेंगे तो आप पे थोड़ी करेंगे। तो वही तो मैं बात कह रही हूँ भाई साहब, तो मैंने भी तो घटना सुनी, सब कुछ हुआ, उनका परिवार खुश हो रहा है कि न्याय मिल गया। कहाँ से न्याय मिल गया? अंसारी लाठी है? उनको कोई मारा थोड़ी है? अभी तो कोई कह रहा था कि स्लो पॉइजन खिला दिए, ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, आप कह रहे हैं कि अभी चैट रिपोर्टर। ये इनके इंटरव्यू बढ़िया होते हैं भैया। आप दिल्ली से? हाँ। अच्छा, क्यों आई हैं, क्या कुछ मांगे हैं आज आपको? नहीं, हमें तो कोई नेता लेके आया है। मुख्तार अंसारी, हम लोग को बहुत कुछ किए हैं, जैसे कि हॉस्पिटल थे, गरीबों के मसीहा थे मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी ऐसा कोई नहीं, उनके जाने के बाद हम लोग को बहुत दुख हुआ, क्यों मुख्तार अंसारी जैसा अब भी होगा? मुख्तार अंसारी नहीं रहे तो उनका लड़का है अभी। लड़का को वोट दोगे? जी जी। आहिल पढ़ाई करते हैं? पढ़ाई नहीं करते हैं। ये नहीं है, पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई बंदे नाल सानू किन्ने दिन हो गए, साडी पेंशन भी बंद हुई, साडे जिदा असी कम कर जाईदा, साडे कम करते पैसे भी नहीं आंदे जी। ठीक है जी, इन्हां ने किन्ने दिन हो गए जी साडियां कापियां भी बंद करतियां। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं अगर कहीं हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, वो आंकड़े बताते हैं। वास्तविकता के साथ जागो। कानून व्यवस्था के बारे में क्या? कानून व्यवस्था अभी आपको तो खतरा नहीं हुआ? महिलाएं सबसे असुरक्षित, ये सच्चाई है। इतना बड़ा यूपी है और अब जाके कंट्रोल में थोड़ा सा आया है। गैंग रेप और महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अजब गजब बयान देने वाली यूपी सरकार का एक और हैरतअंगेज सच। एक आरटीआई से ये बात सामने आई है कि राज्य महिला आयोग के बजट में 85% की कटौती कर दी गई है। सवाल बहुत बड़ा है और इसीलिए बवाल भी उतना हो रहा है, क्योंकि आज आप दिल्ली की सड़कों पर कहीं पे भी जाइए, ठीक है, आपको इतने लोग मिलेंगे, खास करके महिलाएं, खास करके बुजुर्ग, जो अरविंद केजरीवाल को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी दिल्ली किया ना, अभी बदत है। फूल कूदेंगे केवल और हराम तो हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, दो जूते मारेंगे कि ठासी लगा दी, हराम जात को लिकाड़ो, ऐसा भगाओ यहाँ तक। उसके जो पाप का घड़ा फूट गया उसने बड़ा नोट काटा, उसने अंधी काटी है, काम कराने नहीं बोलना चाहता। भगत सिंह बनाया खामा खाम, अरे भगत सिंह की होल्ड हो रही है यार, बहुत बढ़िया किया, ऐसे दुष्ट को तो शुरू में ही उठा लेना चाहिए था। आम आदमी के नाम पर एक ऐसा व्यापारी आया जिसने आम आदमी का चोला पहन के आम आदमी को ही लूट लिया। आज आम आदमी बस से बदतर जिंदगी जी रहा है अरविंद केजरीवाल जी। योर क्वेश्चन
मेरा पहला सवाल ये कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं या नहीं? या। तो आप राहुल जी के फैन हैं? या। इस बार आपको क्या लगता है, जीतेगी कांग्रेस? नो। पप्पू, मेरा छोटा भैया नए नए घोटाले लाता, मोदी देश का सबसे बड़ा भैया, देश को नंबर वन पर लाता। अच्छा। या। लेकिन ये इंडिया अलायंस के नेता कभी तो एक साथ आ जाते हैं और कभी एक दूसरे को गाली देने लग जाते हैं। बदलते रहता है, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो। अच्छा। या। तो फिर क्या लगता है आपको, कितने साल बाद जीतेगी कांग्रेस? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ऐसे एक से शुरू होते होते 6000 साल भी कोशिश कर लो, लेकिन आएगा तो मोदी ही। Yeah. मैं सिर्फ आपसे निवेदन करूंगा, ठीक है, मेरे साथ 3 दफा हाथ उठा के जय हिंद कहिए, मैं भी देखूं आपका जज्बा कितना है। जय हिंद। अरे ये तो हाथ ही नहीं उठा रहे हो, क्या हो गया? गजब बेइज्जती तो है। हाँ हाँ, फारूक अब्दुल्ला नहीं, हमें तो कोई नेता लेके आया है। किस पार्टी से आप? ये इनको बता, पूछो। हमें नहीं पता भाई, हमें नहीं जानते भाई। गजब भी नहीं, कुछ मांग मुद्दे किस पार्टी से आई है? कांग्रेस की। सोनू कहाँ से आए, कौन लेकर आए? भाई आए हम दोनों। क्या मुद्दा है, क्यों आए हो? देखने आए, क्या दंगा चल रहा है, क्या फसाद चल रही है, और क्या कुछ बताया तो होगा, उसकी बताया किसकी रैली है? इनकी रैली है, इनको देखने आए थे। वो पढ़े लिखे, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ। है भैया, क्या नाम है, कहाँ से आई हैं? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर से आए भैया, नाम काशी है। आंटी, क्या कुछ मांग रहे हैं? कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास मुद्दा क्या है, क्या कुछ मांग रहे हैं? अभी तेल कौन लेकर आए? अभी कोई लेकर आया? ऐसे लेकर आए क्या? कैसे? अपनी मर्जी से? अपनी मर्जी से लेके आए। पैसे वैसे दिए जाएंगे? खाना पिया ना दी? खाना पिया ना, खाने पीने नहीं पता क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? मुख्यमंत्री ने लिखा तो वो दे दिया था, आपका अपना भी तो जमीर होना चाहिए ना। मेरा अपना इकबाल है, मैं कांग्रेस की तरफ से बैठा हूँ, लेकिन मैं कभी गलत बात नहीं कहूँगा। जी, मेरी अंतर आत्मा भी तो है ना। राजी, आपको लाल बहादुर शास्त्री को जहर दिया गया कि नहीं दिया गया, इसकी जांच की जरूरत नहीं महसूस हुई? शास्त्री जी की पत्नी चिल्लाती नहीं क्या? लेकिन प्रातः स्मरणीय मुख्तार अंसारी के लिए आप मुख्तार के सम्मान में कांग्रेस मैदान में नहीं। फिर ना हिलाओ महाराज, ललिता शास्त्री ने कहा था कि मुझे शक है इनके शरीर नीला पड़ा है। भाई साहब बढ़िया बोला है। हाँ, क्यों उनको पसंद है? सबसे बड़ा काम अगर कोई किया है तो हमने निजाम से मुक्ति। निजाम जानते हो क्या है? जानते हो? नहीं जानते हो, मैं बताता हूँ। निजाम में एन से मतलब है नसीरुद्दीन सिद्दीकी से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। आई से मतलब है इमरान मसूद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। आजम खान से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी से दिलाई। अतीक अहमद से मुक्ति भारतीय जनता पार्टी ने दिलाई। और मुख्तार अंसारी से मुक्ति भी भारतीय जनता पार्टी ने। सीधी बात समझ गए? मोदी जी के सरकार में ये हुआ है, गरीब लोग और गरीब होते गए, अमीर आदमी और अमीर होते गया। अडानी अरमानी का जो आरोप लगाते हैं बिल्कुल ठीक। करोड़ों लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए पिछले 5 साल में, बताइए। आपको कितना पता है कि कितने लोग हैं? 14.3 करोड़। अरे कहाँ देखे, प्रूफ है बिल्कुल, नीति आयोग का डाटा है। मुँह से बोलने का तो ये हो जाएगा। आयोग का डाटा भी निकालिए, नहीं हो पाता है। निकालिए ना फोन, अभी दिखाऊंगा आपको नीति आयोग का डाटा, और दिखा दूंगा। माफी मांगेगा अभी सरकार से? क्यों? आप सरकार, आप बताओ कि मैं माफी मांगूंगी? जवाब दे रहा हूँ, उसके बाद माफी तो मांगेंगे। माफी तो मांगो कि हाँ मैं गलत बोल रहा था, मैंने कम बताया था। पढ़ लीजिए, 14.96 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए। कैमरामैन फोकस कर लो। इसीलिए मैं कहता हूँ, चाइना के सामान का, पाकिस्तान के ईमान का, राहुल के बयान का और चमचो के ज्ञान का कोई भरोसा नहीं है। आजादी के लिए शहीद और साहस से वो देश के लिए लड़ रहे हैं। कभी कई बार मुझे लगता है
कि आजादी की लड़ाई में वो एक फ्रीडम फाइटर थे जो देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गए। इस जंग में भी केजरीवाल जी को शायद भारत माँ के संघर्ष के लिए भेजा है। Hey Chris, what's up? India में क्या चल रहा है? आपकी बार मोदी सरकार 400 पार। मोदी सरकार? बीजेपी? 400 पार। 400 पार? राहुल गांधी को कौन कौन वोट दे रहे हैं? बोनी भी नहीं हो रही है उनकी क्या? और आप पूछो कि भैया नरेंद्र मोदी को कौन कौन वोट देगा? इनके पास तो भंडारा लगा पड़ा राम का। सेठ जी ये जूता चाहिए, क्या रेट लग जाएगा? 850। अरे भैया तो 850 का बहुत महंगा बता दे। हाँ कैंपस है, कैंपस। अरे होगा, सही लगाओ, कोई ठीक ठाक रेट लगा के बताओ। रुको जरा, अभी सबर करो। नहीं भैया 600 रुपए लगा लो। 600 रुपए लगा लो अगर तो मोदी को वोट देता हो तो। क्या बोला तूने? मोदी को वोट दूंगा, 600 रुपए लगा लो। 600 रुपए का ठीक है, दे दो। कसम खा दो जोड़ी चाहिए तो, दो जोड़ी लूँ तो 550 का दूंगा अगर मोदी को दे दो। तो फिर बीबी को भी मैं मोदी को वोट दिलवाऊं के? हाँ ठीक है, तो 550 लगा के दो दे दो और दो वोट मोदी के नाम। जय भारत माता की। जय भारत, जय भारत माता। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे, मार्केटिंग कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो भाइयों बहनों कैसा लगा आज का वीडियो? बढ़िया थी वीडियो आज की भी, ये सही था। वाले वोटर पे मैं भरोसा नहीं कर सकती भाई। ओ भाई तो डिस्काउंट दे दूंगा, डिस्काउंट। ओ भाई साहब डिस्काउंट के चक्कर में गजब ही चलेगा, नो डाउट। अच्छा काम कर रही है बीजेपी, लेकिन ये भाई तो डिस्काउंट पे ही वो मार्केटिंग सही कर रहे हैं बीजेपी का, वो भी समर्थन सही कर रहे हो। कुछ ऐड शुरू करती है, देखे थे मैंने भाई। अब तो मतलब कि आजकल एड्स में ना रोस्टिंग चल रही है, बीजेपी ऐड निकालती है उसमें कांग्रेस को रोस्ट कर देती, कांग्रेस निकालती है वो उसको, चल रहा है। और इनके जो ऑफिशियल पेज वाली रील्स में आते हैं वो भी थोड़ा रोस्टिंग टाइप मीम्स टाइप आती है आजकल। भाई देखो वो भी बढ़िया था, दिल्ली का दीपक भाई जो है वो बोनी भी नहीं हो रही। पता है क्या, उनके जो बयान है बहुत वायरल हो रहे हैं। अगर ध्यान से ऐसा लगता है कि वो मतलब गए खत्म, वो जो केजरीवाल की वाइफ है वो ऐसे बोल रहे थे, वो तो इतनी रील्स बन रही है कि एडिट होके वो अच्छा बनाया हुआ था। आप उनकी बातों पे भरोसा ना करें, जो आदमी जेल में होता है उसकी आत्मा भी जेल में ही होती है भाई। देखो सीधी सी बात है, हमें क्या ही बोले इसमें, जब आप ऊपर कार्रवाई चल रही है तो वहां पे वो करते रहेंगे, लेकिन और जितने भी ये थे ना माफिया जो बहुत चौड़े में घूमते थे लोग को तकलीफ देने के लिए, आज उनके चौड़े चौड़े छोटे छोटे हो चुके हैं और लाल हो चुके हैं। सही इलाज चल रहा है उनका भी, बाकी देश तरक्की कर रहा है। और भाई ठीक है, हर कोई भी सरकार परफेक्ट तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी बेटर कौन होता है ये देखना चाहिए हमें। मिलते हैं आपसे एक वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।